मॉर्निंग बच्चों, बच्चों हमारी सब अच्छे से हैं, प्यारे प्यारे बच्चे है ना। बच्चों देखो, मैंने आपको जो है ये सरिता बुक में चैप्टर पढ़ाती थी, आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने जो चैप्टर पढ़े थे 16-15 पढ़ा था, फिर 17, फिर आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 18, जटिल समस्या प्रदूषण। कौन सी समस्या हो रही है? जटिल कठिन समस्या प्रदूषण की। बच्चों प्रदूषण की समस्या बहुत कठिन है, हम जिस जीवन में रह रहे हैं। ये देखो पर्यावरण की रचना, पता है कितने पर्यावरण की रचना जो है, वायु से, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे और जीव जंतु के द्वारा होती है। पर्यावरण की रचना देखो कितने ज्यादा से होती है, वायु, जल, मिट्टी, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि के द्वारा होती है। और बच्चे इनमें संतुलन बने रहना चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज जो है ज्यादा या कम हो जाती है तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ ताकि वातावरण जो है कैसा रहे बच्चों, शुद्ध रहे। तो पर्यावरण प्रदूषण में से एक भी चीज कम या अधिक हो जाती है तो पर्यावरण जो है प्रदूषित हो जाता है। देखो ये पारस्परिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए हमने जो है पेड़ पौधे हैं, अगर पेड़ पौधे अधिक होते हैं तो हमें शुद्ध वायु मिलती है, और जो है पशु पक्षी है उनको भी जो है क्या मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं नीचे पेड़ों के नीचे, और जब वृक्षों के नीचे छोटे छोटे पक्षी रहते हैं। उसी प्रकार जो है बच्चों देखो कि जो है ये अगर हम पेड़ पौधे हटा देते हैं, काट देते हैं, वृक्ष काट देते हैं तो सारा जो है प्रदूषण फैल जाता है। प्रदूषण में जो कई प्रकार का होता है, अब प्रदूषण देखो मुख्यतः होता है 3 प्रकार, वायु प्रदूषण, फिर होता है जल प्रदूषण, और फिर होता है ध्वनि प्रदूषण। बच्चों एक और होता है, वो होता है भूमि प्रदूषण। प्रदूषण तो कई तरह के होते हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 तरह के बताए हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि पर्यावरण की रचना वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु के द्वारा होती है। अगर जीव जंतु ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हमारी समस्या, अगर जो पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो हमारी समस्या, अगर जल जो है हम बहा देंगे तो हमारी समस्या, अगर मिट्टी मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, खराब जाएगी मिट्टी, है ना बच्चों। आप देखते हो कि हम जमीन के अंदर प्लास्टिक की थैलियां गाड़ देते हैं तो इससे जो है जमीन भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, मिट्टी खराब। तो इस प्रकार जो है अगर एक भी कम या ज्यादा चीजें हो जाती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। और ये प्रदूषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का बताया है, वायु, जल और ध्वनि। अब देखो बच्चों वायु प्रदूषण जो है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 16%। कितनी है बच्चों? 16%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 16% अधिक हो जाने से अगर नगरों में रहने वाले लोग श्वास लेने में और जो है नेत्र रोग से पीड़ित हो जाते हैं। बच्चों अगर वायुमंडल, अगर हम जो है वायु प्रदूषण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो हमें सांस लेने में कठिनाई आती है। आपको पता है आजकल पहले हम बड़े बूढ़े भी जो है बहुत ऊंचे से आराम से सीढ़ियां चढ़ जाते थे, लेकिन आजकल छोटा छोटा बच्चा
सारे जो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं बच्चों। तो जल को भी कैसे, इसलिए हम लोग कहते हैं जल को जो है पानी को, घर में पानी आता है उसे छान कर और हल्का सोपान कर पीना चाहिए। ठीक है बच्चों। एक होता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से तो व्यक्ति पागल भी हो जाता है। मान लो आप चल रहे हो और आपके अभी को बहुत तेजी से आपकी आवाज करे तो आप चौंक जाते हो, है ना बच्चों। तो ध्वनि जो है तेजी से आता है, ध्वनि हमारे कानों से टकराती है तेज आवाज, जिसके कारण जो है हम कई बार पागल हो जाते हैं और हम लोग बहरे हो जाते हैं, हमें सुनाई अच्छे से नहीं देता है। तो ये शोर के कारण होता है। लोग जो है वाहनों में अलग अलग जो चीजें लगा देते हैं जिससे आवाज तेज होती है। लोग जो है घरों में टीवियां लाउड स्पीकर तेज चला देते हैं जिसके कारण जो है हमारी ध्वनि हमारे कानों से टकराती है, जिसके कारण जो है हम बहरे भी हो सकते हैं। तो बच्चों तेज आवाज के बचने से रेडियो के आवाजों के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है, लाउड स्पीकरों से शोर होता है, है ना। भारी वाहन जो होते हैं, वाहन जो होते हैं चलते हैं वो तेज तेज जो है बहुत आवाज करते हैं, जिससे कारण भी ध्वनि प्रदूषण होती है और हमें सिर में पीड़ा होती है, चक्कर आने लगता है, घबराहट होती है ना बच्चों, हम बहरे भी हो जाते हैं। और हमारी नेत्र ज्योति, हमारी आंखों की ज्योति है, रोशनी जो है वो भी कम पड़ जाती है। तो ये है प्रदूषण। तो आपने देखा कि वायु प्रदूषण जो है होता है, जो समस्या कितनी कठिन है, हमारे शरीर में इसका कितना प्रभाव पड़ता है, वायु प्रदूषण से जल खराब किएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। अगर हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाएगी धुआं वगैरह से तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और अगर हमारे पास में तेज ध्वनि होगी जिससे कि हम बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो है पर्यावरण जो है